नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद के नाम से जानते हैं। आज ये समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर आयु वर्ग में आज डिप्रेशन की समस्या हो रही है। इसके लिए कहें कि कोई एज लिमिट निश्चित नहीं है, यानी कि 10 साल के व्यक्ति को भी डिप्रेशन है, वयस्क व्यक्ति को भी डिप्रेशन है और बुजुर्ग व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो सकते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि डिप्रेशन की कोई एज लिमिट नहीं है। जिसको भी डिप्रेशन होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास रहता है और ऐसा लगता है कि वो रोने वाला है, यानी कि पेशेंट का बार बार रोने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता। वो जो वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या जॉब में है, उसका काम में मन नहीं लगता और बहुत बार तो पेशेंट अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अगर स्टूडेंट है, उसका कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर नहीं होता और पता चलता है कि वो एग्जाम नहीं दे पा रहा या वो जो पढ़ना चाहता है उसको याद नहीं होता, लगातार उसकी मेमोरी लॉस हो रही होती है। ऐसे व्यक्ति को कमजोरी, थकान और नींद भी बहुत कम हो जाती है। किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, बस ऐसा लगेगा लेटा रहूं, पड़ा रहूं, सोता रहूं। और ऐसे व्यक्ति को एकांत बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, यानी कि अगर वो किसी फंक्शन में गया, किसी शादी पार्टी में गया, तो उसको वहां कोई आनंद महसूस नहीं होता। वो तो केवल एक कोना ढूंढकर बैठ जाते हैं। उसको कोई मतलब नहीं होता कि वहां कोई एंजॉयमेंट है या नहीं है, उसको तो वहां बोरिंग महसूस होता है और उसको एक हेडेक जैसी फीलिंग्स आती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ फट जाएगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर समय नेगेटिव ही सोचना। कोई व्यक्ति उसको हमदर्दी दिखाना चाहता है, उसको उससे भी डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई सामान ना ले जाए, मुझे मारेगा पीटेगा, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो पेशेंट सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। और डिप्रेशन होने की कोई वजह नहीं होती। ऐसे नहीं कि किसी कारण से डिप्रेशन होगा, यह जब मर्जी किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। हमारे दिमाग में 3 मुख्य केमिकल होते हैं, जिसमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन। जब इन केमिकल का सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, या कहें कि जब ये केमिकल हमारे दिमाग में ठीक प्रकार से नहीं बन रहे होते, तो डिप्रेशन नामक बीमारी आ जाती है। अगर व्यक्ति किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन काफी लंबे समय से ले रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट से देखा गया है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है, मेडिसिन दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप नेगेटिव ना सोचें, आप पॉजिटिव सोचें। यानी कि ऐसे व्यक्ति को नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिविटी में अपना ध्यान एकाग्रचित करना चाहिए। जो भी चीज नेगेटिव है, कोई व्यक्ति नेगेटिव है, नेगेटिव सीरियल है, नेगेटिव कोई बुक्स है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को बिजी रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, नेगेटिविटी से बचें, हेल्दी डाइट उनको लेनी चाहिए और अपनी नींद प्रॉपरली 6 से 8 घंटे सोएं। जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है उसमें अपने को ज्यादा बिजी रखें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करके तो डेफिनेटली आपकी डिप्रेशन, अवसाद की समस्या हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। आइए, डिप्रेशन, अवसाद, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, यहाँ कान के नीचे नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से रब करना है। करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट साइड उसके बाद राइट साइड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट किया फिर राइट फिर 1 मिनट, उसके बाद लेफ्ट साइड। करने का वही तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट किया फिर राइट किया फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा 1 मिनट गैप के बाद 2 बार करना है। उसके बाद देखें, फिर हमें पेशेंट के अगली साइड खड़े होने और फोरहेड पर हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है, पास पास में 3 से 4 पॉइंट बनाने, ऐसे ही फिर आईब्रो के ऊपर की साइड में मीडियम प्रेशर रखना है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि पेशेंट को पता ना चले। फिर आईब्रो के आसपास इस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज करना है, पास पास पॉइंट्स में, ये भी हम 5 से 6 बार कर सकते हैं। इसके बाद हमें पेशेंट के पीछे की साइड में आना है और ये बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमें अपने अंगूठे से, यानी कि ये उंगलियों को हमें कान के पास रखना है ऐसे, और सेंटर में हमें ये पॉइंट बनाते जाना है, आगे से पीछे की ओर आना है, पीछे तक जाना है,
ऐसा भी हम 4 से 5 बार कर सकते हैं, बिल्कुल पास पास पॉइंट बनाने। इस प्रकार से उसके बाद ये वाला जो एरिया है जिसे ये स्कल वाला जो पोर्शन है, यहां पर हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देने, ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, इस प्रकार से पास पास पॉइंट बनाने। इसके बाद अपनी उंगलियों को, यानी कि हाथ को इस प्रकार से रखना है अंगूठे पीछे, और अपनी उंगलियों को यहां से आगे से पीछे की ओर रबिंग करते हुए लाना है थोड़ा प्रेशर के साथ। ये भी हम 6 से 7 बार कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है और इस वाले साइड में 17 से 18 बार रबिंग करनी है। ऐसे ही दूसरी साइड इधर भी हम 17 से 18 बार रबिंग करेंगे। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिप्रेशन के लिए। पेशेंट को कितने भी दिनों से डिप्रेशन है, पहले दिन से उसको रिलीफ महसूस हो जाता है, और कुछ दिन के रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाती है। इस बारे और इसके आश्चर्यचकित परिणाम आप स्वयं देखें। दोस्तों अगर आपको डिप्रेशन हो गए हैं तो जैसे मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया कि आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी चाहिए, फाइबर युक्त डाइट लें, आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, नींद 6 से 8 घंटे आप जरूर लें, खाने में सैलेड आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जूस आप ले सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अगर आपको किसी कारण से कोई स्ट्रेस है, कोई समस्या है, कोई फिजिकली, कोई मेंटली, कोई पारिवारिक अगर आपको समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। निश्चित ही आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।